नमस्कार स्वामी जी, पहले तो आप ये बताएंगे कि आप कैसे इंस्पायर हुए, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आप आगे बढ़े इस राह पे? पहले तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और जहाँ तक जर्नी का प्रश्न है, मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी योग से। योग इज माय बेसिक रूट एंड योग इज माय अल्टीमेट गोल। द सक्सेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर, दिस इज नॉट माय गोल, दिस इज नॉट माय एम। तो जर्नी की जहाँ तक बात शुरू करेंगे, तो योग मैंने 9 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ किया था और आज भी योग और कर्म योग, योगा एंड कर्म योगा। योग का अर्थ होता है हैप्पीनेस। योग इज ए वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। योग इज ए वे ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस एंड इटर्नल पीस। एंड योग इज अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। योग इज नॉट मेरली फिजिकल एक्सरसाइज। योग के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां, इसलिए मैं जब मैं योग की बात करता हूं तो योग का अर्थ लगता है लोगों को नीचे सिर ऊपर टांग कर देना, वो भी मैं करता हूं और लोगों की कराता भी हूं। लेकिन योग और कर्म योग, कर्म योग मतलब वर्क इज वर्शिप, वर्क इज एवरीथिंग, वर्क इज गॉड, वर्क इज डेस्टिनी, वर्क इज सक्सेस, वर्क इज हैप्पीनेस, वर्क इज पावर, वर्क इज परफॉर्मेंस, वर्क इज एग्जीक्यूशन, द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड कर्म, कर्म योग, पुरुषार्थ। ये बड़े शब्द हैं। अब आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, इसलिए आप लोगों को ये कर्म की फिलॉसफी, कर्म का मतलब आप क्या समझते हो? कर्म इतना होता है कि कोई चीज को इधर से उठा करके उधर रख दिया, जिसमें एक्शन होता है। कर्म इज नॉट ओनली एक्शन। कर्म, मैंने बोला कि कर्म ये पूरी लाइफ है और जो कुछ हम जिंदगी में है कर्म से है। मैंने कर्म किया इसलिए आप लोगों ने मुझे यहां पर भी बुला लिया। मैंने कर्म किया इसलिए इलिटरेट फैमिली से, एक फार्मर बैकग्राउंड से, गुरुकुल से आज मैं यहां पहुंचा। कर्म किया इसलिए मोदी जी चाय बेचने वाले से देश चलाने वाले बन गए। तो यात्रा मेरी योग और कर्म योग की है और वही मेरा गंतव्य है। बाबा जी, थोड़ी सी लाइट अपना जो आपका योग गुरु से एंटरप्रेनर बनने का सफर रहा, उसके बारे में भी डालो। आज की डेट में आप एक बहुत ही सफल उद्योगपति हो। आपने सारे MNCs को, जैसे कि पेंटीन की पेंट उतार दी, यूनिलीवर का लीवर खराब कर दिया, कोलगेट को शीर्षासन करा दिया, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दो। ये आप लोग भी कर सकते हो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो हमारे नीरज जी जो है, आज लगता है पत्रकार भी बनने जा रहे हैं। अच्छी बात है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इनके लिए एक बार तालियां बजा दो। अच्छा है। तो देखिए, मैं भारत का बहुत प्रशंसक हूं। भारत भगवान का देश है। भारत, इंडिया, मैं भारत ही बोलता हूं। इंडिया आप क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों बोलते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है। भारत इज ए ऑस्पिशियस कंट्री, गॉड गिफ्टेड कंट्री।
आप कहेंगे सारी धरती भगवान ने बनाई, फिर इस धरती में क्या है? मैं सब देशों का सम्मान करता हूं और सारी धरती भगवान की है, ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वम्। लेकिन इस भारत भूमि को मैं भगवान का देश कहूं सृष्टि के आदिकाल से, क्योंकि सारी दुनिया की जो हिस्ट्री है वो 1400 से 2000 सालों में सिमट जाती है। 1400 साल से पहले इस्लाम की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। 2000 बिफोर ईसा क्या था किसी को नहीं पता यूरोप में। लेकिन हमारी संस्कृति न 1400 साल पुरानी है न 2000 साल पुरानी। जो कैलेंडर है वर्ल्ड का कैलेंडर हम ईसा मसीह से जोड़ देते हैं। ठीक है, हम ईसा मसीह का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सृष्टि तो 1,96,08,53,118 वर्ष पुरानी है। तो भारत इतना महान देश होते हुए भी एक बात खास ये कहना चाहता हूं, इसमें एक गड़बड़ी है। वो क्या? हमारे बहुत से फॉरेन से आए हुए फ्रेंड्स यहां पर हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं। इन लोगों में क्या खास बात होती है? ये लोग 15 से 18 साल की उम्र में तय कर लेते हैं कि मेरी लाइफ का गोल क्या है और मुझे आने वाले 50 सालों में या 100 ईयर्स में मुझे क्या करना है। वो अपने 50 से 75, 100 ईयर्स का एक प्लान लेकर के चलते हैं कि मुझे ऐसे मेरी पढ़ाई करनी है, ऐसे मुझे अपना करियर करना है और इस तरह से मुझे इस वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूट करना है और अपने आप को किस तरह से मुझे तैयार करना है। हमारे यहां पर ये सोच लंबी नहीं जाती है। तो मैंने कम से कम 50 साल तक का तो आगे का खुद करने का सोचा हुआ है, क्योंकि मैं 100 साल से पहले जाने वाला नहीं हूं। तो मैंने 50 इयर्स के आगे की, अभी जहां खड़ा हूं उससे आगे की बात कर रहा हूं, 50 इयर्स का आगे का मैं सोच रहा हूं और जो मैं करके जा रहा हूं और जो कर रहा हूं, जो कर चुका हूं, वो कम से कम 500 सालों के लिए कर रहा हूं। आपको मैं 5 साल का बताता हूं। विजन 2020 में हमने तय किया है कि पतंजलि 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्रांड होगा, 1,00,000 करोड़ टर्नओवर से ज्यादा का। 2020 में ये 1,00,000 करोड़ रुपए का ब्रांड होगा पतंजलि, और FMCG का ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड होगा। ये आज मैं कह रहा हूं, YPO में दोबारा आऊं मैं या नहीं आऊं, मैं IPO में तो आने वाला हूं नहीं। अब हम लोग ऐसे देसी आदमी हैं, हमको पहले तो ये YPO का फुल फॉर्म नहीं आता था, क्या मतलब है इसका। मैं कह रहा था हमारे यहां पर 99% लोग वो नई चीज खड़ी नहीं करना चाहते, कोई विदेशी ब्रांड के पीछे पड़ जाता है, कोई यूनिलीवर के, मैं प्रोफेशनल हूं, क्या प्रोफेशनल है, खाक, एक विदेशी कंपनियों की गुलामी करने वाला गुलाम पैदा हुआ, तो तेरे अंदर कुछ दम होता तो कुछ करके दिखाता। जो कायर कमजोर और बुजदिल लोग हैं वो खड़ी हुई चीजों के पीछे खड़े हो जाते हैं। पीछे खड़े होने में क्या जोर पड़ता है? कोई कोलगेट के पीछे खड़ा है, कोई PNG के, कोई नेस्ले के, कोई और तमाम तरह की, कोई होंडा, कोई और तमाम तरह की विदेशी कंपनियों के पीछे खड़ी। अरे अपने देश में क्या क्या कमी है भाई? कहते हैं ब्रांड है। अरे ब्रांड एस्टैब्लिश कर दो। आज देखो विद इन 5 ईयर्स हमने करके दिखाया, जितने लोग शायद कोलगेट को जानते हैं उससे ज्यादा लोग आज पतंजलि को जानते हैं, जितने 2 लाख्स लाइफा फेयर एंड लवली को जानते हैं उससे ज्यादा लोग पतंजलि को जानते हैं, जितने लोग इस देश के अंदर थे वो बड़े बड़े दूसरे कितने ब्रांड हैं, कितने MNCs के किसी भी फील्ड के ब्रांड है, जितने उनको जानते उससे ज्यादा जानते। क्या लगता है 5 साल क्या हम मेहनत नहीं कर सकते? तो मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े हों, अपने ब्रांड खड़े हों, और जब वो खड़े होंगे तो हम देश में एक नई ताकत खड़ी कर पाएंगे, नहीं तो हम राजनीतिक रूप से आजाद होते हुए भी आर्थिक रूप से हम गुलाम ही कहलाएंगे। मुझे मंजूर नहीं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। आने वाले 5, 10, 25, 50 सालों का सोचें, खुद करें, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक आधार देकर के जाएं। और जैसे ये दुनिया के ब्रांड हिंदुस्तान में घुसे हुए हैं, हम लोग पूरी दुनिया में घुस जाएं। इतनी ताकत अपने पास में है, हम लोग उनके पीछे लोग बने। और वैसे एक बात और कहता हूं,
इंडिया से ज्यादा अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड के किसी कंट्री में नहीं है। इंडिया से ज्यादा अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड के किसी कंट्री में नहीं है। कैसे? मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूं। यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, इन देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2-3% है। क्या करेगा आदमी वहां? इधर चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, कोई ज्यादा ताकतवर होता है तो उसको उसी दिन कुतल दिया जाता है। दुनिया का सबसे शातिर देश है तो यहां कोई हमारे चाइनीज मित्र बैठे हो तो नाराज मत होना, वो चीन है। लेकिन किस रूप में? पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूं, ये मैं सोशली बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूं। कहां और कौन सा देश बचा? रसिया, वो अलग ढंग की उधेड़ बुन में फंसा पड़ा है। इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स हैं, इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्स हैं, और मैंने तो इतना ही देखा है। लोग कहते हैं कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, आज इस 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। ये पावर है इंडिया की, भारत की। तो इस ताकत का हम लोग इस्तेमाल करें और उसमें भारतीयता, अपना प्राइड, अपना प्राउड, उसको हम उभारें। स्वामी जी, आपने अब बात पॉलिटिक्स की करी है, तो कई बार लोग कहते हैं कि इसके पीछे आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा, जैसे कि मोदी जी के लिए आपने बहुत प्रचार किया काला धन वापस लाने के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए। तो काला धन बहुत लोगों को लगता है कि अभी तक आया नहीं इंडिया के अंदर। मैं यहाँ पर भी आया हूँ तो पॉलिटिक्स से आया हूँ। आपको बहुतों को पता ही नहीं लगाएगा उसका उत्तर क्या है। ये पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक हमारे पुराने शिष्य हैं अभिमन्यु, अभी वो हरियाणा में मंत्री हैं, वहाँ थोड़ा सा घोटाला कर दिया एक बाबा ने। उनके कहने से मैं यहाँ आया, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो पॉलिटिक्स के कारण से बैठा हूँ। हम लोग पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तुम वाईपीओ वाले जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये क्या है? आप लोग जो इनकम टैक्स देते हो कि नहीं देते? सेल टैक्स भी देते हो? जीएसटी देते हैं जी। अब सारा जीएसटी देते हैं। अब सुनो, बिना पॉलिटिक्स के ये होटल भी बना है तो इसकी सारी परमिशन पॉलिटिकल सिस्टम से लेनी पड़ती है। बच्चे पैदा हम करते हैं, बच्चे क्या पढ़ेंगे पॉलिटिक्स तय करती है। बीमार हम होते हैं, उसका उपचार कैसे होगा ये पॉलिटिक्स तय करती है। सड़कें हमारी, उनको बनाने के लिए पैसा भी हमने दिया, लेकिन वो रोड कैसे बनेगा और किस साइड में हमें चलना पड़ेगा ये पॉलिटिक्स तय करती है। हम यहां बाईं तरफ चलते हैं, अमेरिका में दाईं तरफ चलते हैं। सब कुछ, अल्टीमेट पावर, कंट्रोलिंग पावर पॉलिटिक्स के पास है। इसलिए मैं कहता हूं हर आदमी को पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन वो उसकी जो पॉलिटिक थॉट प्रोसेस उसका कैसा होना चाहिए कि मैं उसी पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करूंगा जो कंट्री फर्स्ट, देश को सबसे ऊपर रखता है। ये सोच हमारी होनी चाहिए और वो सोच मेरी आज है और अंतिम श्वास तक रहेगी। मुझे कोई एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम नहीं बनना, लेकिन मेरे देश में बुरे लोग राज ना करें, इस स्वाभिमान के साथ में जीता हूं, ये मेरा पॉलिटिकल एजेंडा था, है और रहेगा। स्वामी जी, और आपके आगे कौन से प्रोडक्ट और आएंगे उसके बारे में लोग बहुत जानने को इच्छुक हैं। मुझे एक बात है, सारी दुनिया ना, ये तो मैंने देख लिया, पैसे के पीछे पागल है। पैसे के बिना दुनिया में कुछ चलता नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि जब सारी दुनिया इस पैसे के पीछे लगी पड़ी है तो इसकी भी सर्जरी कर लेते हैं। तो हमने उस पैसे को दाएं बाएं से देखा कि जहां अर्थ होता है वहां कहीं कहीं अनर्थ भी होता है, जैसे अभी हरियाणा में चल रहा है। अर्थ से आदमी अनर्थ भी कर सकता है, उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, जैसे पाकिस्तान कर रहा है, जैसे पिछले दिनों गद्दाफी ने किया। अर्थ से अनर्थ भी होता है, सब मानते हो ना इस बात को? और अर्थ का व्यक्ति स्वार्थ में भी प्रयोग कर सकता है, अपने शौक होते हैं आदमी के। तुम्हारे तो ज्यादा नहीं लग रहे, हाथों दिखाने। मोबाइल फोन है। हाँ, ये भी मेरे पास तो देसी है। आदमी का स्वार्थ के लिए भी पैसे का प्रयोग कर सकता है, और इसकी अर्थ, अनर्थ, स्वार्थ, और इसकी तीसरी चीज है परमार्थ। तो हमने इसको परमार्थ के लिए प्रयोग किया और हमने एक बात तय की, एक एजेंडा तय किया कि अर्थ से परमार्थ ये भी हो सकता है। अभी तक हमने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चैरिटी में खर्च किए
और आने वाले 20-25 साल का मेरा एजेंडा है कि मैं 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी इस हिंदुस्तान में करके जाना चाहता हूं, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और इसके फोकस पॉइंट होंगे एजुकेशन, रिसर्च और गो आधारित खेती और हेल्थ, योग और तमाम तरह के अवेयरनेस। वो इसके लिए जो आपने पूछा कि आगे के क्या क्या एजेंडा, इस समय हम लोग फूड और नॉन फूड में काम करते हैं, फूड और नेचुरल कॉस्मेटिक, ये कुल बाजार है करीब 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। जैसे हम लोग फूड में घी और एडिबल ऑयल में भी है, कुकिंग ऑयल, ये इंडस्ट्री करीब 2,50,000 करोड़ रुपए की है, करीब 50,000 करोड़ रुपए का घी और करीब जो है 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुकिंग ऑयल की इंडस्ट्री है। उसमें हमने नया काम कर दिया, हम जिस भी फील्ड में जाएंगे ना वहां कुछ नया धमाल करेंगे, कुछ वहां पर नया इनोवेटिव क्रिएटिव काम करेंगे। हमने हर चीज बनाई, मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट बताता हूं। जैसे हमने, सब लोग डिशवाश बना रहे थे, हमने डिशवाश में, मैंने अपनी माँ को बचपन में देखा कि वो राख से बर्तन साफ करती, मैंने राख नींबू और नीम मिला करके नया डिशवाश तैयार कर दिया। आज 50% से ज्यादा विद इन 2 ईयर्स डिशवाश की कैटेगरी में पतंजलि एंटर कर चुका है और एक आने वाले मात्र 1 साल में 75% डिशवाश की कैटेगरी में पतंजलि नंबर 1 ब्रांड होगा विद इन 1 ईयर। मैंने काम करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ये तो एक सब्जेक्ट में, सब लोग पहले क्रिटिसाइज करते थे नीम, नमक, हल्दी, ये बेवकूफ है इंडियन लोग, कोयला, अब कहते हैं हमारा चारकोल वाला है। अब गांव का आदमी उस पहले सोचता है चारकोल है या तारकोल है। पहले बोलते थे ये नीम हल्दी, और अब ये सब नीम हल्दी नमक, और नमक में बस सेंधा नमक क्या के ऊपर आ गए, अब इनको हमने नमक और हल्दी याद तो दिला दिया है। मैं आपको बात ही कह रहा हूं, हमने टूथपेस्ट बनाया नई सोच के साथ। साबुन तो हम लोग सब लोग यूज करते हो, पहले सबसे ज्यादा बाल वालों के धोने के लिए किसका प्रयोग होता था और शरीर की सोप, मतलब चेहरे के आदि के ग्लो बढ़ाने के लिए, मुल्तानी मिट्टी का। मैंने मुल्तानी मिट्टी का सोप बनाया, 10 साल लगे हमको उसको बनाने, वो हमारा जो है प्रीमियम कैटेगरी का है। तो एक एक कैटेगरी फूड की, नॉन फूड की, कुल मिलाकर के हम लोग सब प्रकार के फ्लोर, सब प्रकार के एडिबल ऑयल, सब प्रकार के जूसेस एंड कन्फेक्शनरी, बिस्किट एंड बेवरेजेस, राइस स्पाइस एंड पल्सेस, ऐसे 5 कैटेगरी में फूड में हम लोग काम करते हैं। नॉन फूड में सारा हेयर केयर, डेंटल केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, सारे हमने इस तरह का एक पूरा अभियान छेड़ा है। करीब इस समय हम 9 वर्टिकल में काम कर रहे हैं। फिर हमने अभी पूजा सामग्री में एंट्री की है, अभी 28 तारीख से एक नया शो आ रहा है, पहले जो लाइफ ओके चैनल था उसका नाम अब स्टार भारत हो रहा है, और उसका जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है उसकी लॉन्चिंग मैंने खुद की है, ओम शांति ओम की। हमारा एक ही मकसद था कि इस हिंदुस्तान में अश्लील गीत गाए जाते हैं, दिव्य गीत क्यों नहीं गाए जा सकते। तो ये आज तक के इतिहास का ये भी एक नया पन्ना होगा कि दिव्य गीतों का, डिवाइन सॉन्ग्स का एक नया चलन हम अभी 28 तारीख को लेकर, उसमें हमने आस्था पूजा सामग्री को ब्रांडिंग उसमें की है, हमने स्पॉन्सर के तौर पर जो भी है। अब पूजा सामग्री देश में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकती है, वो अभी हम नया लेकर के आए इस साल। अब पहले ब्रांड थे 2-3, आपकी जानकारी के लिए कपूर में 80% मिलावट होती है, एक सिगरेट पीने से जितना नुकसान होता है उससे ज्यादा एक कपूर की टिकिया जलाने से नुकसान होता है, 100 सिगरेट के बराबर उसके अंदर से कार्बन निकलता है। कपूर की टीका जलाने से आप देख रहे हो इतना भयंकर धुआं निकलता है, क्यों? 80% उसमें मिलावटी कपूर होता है। असली कपूर 500 रुपए किलो, नकली कपूर 25 रुपए किलो का केमिकल आता है। तो पूजा सामग्री हम लोग इंटर कर चुके हैं, उसमें भी आने इस साल 1,000 करोड़, आने वाले साल में 2-3 सालों में 5,000 करोड़ होगा। 2 और नए हम वेरियंट में जाने वाले, एक डेयरी जो करीब 2-3 लाख करोड़ का है, जिसका मार्केट साइज जिसको बोलते हैं आप लोग, और दूसरा हम जा रहे हैं ये कपड़ों के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, लेडीज के, जेंट्स के और किड्स के, फिर जो है योगा वेयर, फिर स्पोर्ट्स वेयर, अंडर गारमेंट्स, माने लंगोट से लेकर के कोट तक सब कुछ बनेगा। अभी लोग है ना, अभी यहाँ अब देखो, मैं कहता हूँ रॉ मेटेरियल हमारा, कपड़ा हमारा होता है, जीन्स, जीन्स से लेकर के सब चीजों का कपड़ा हमारा,
अब एक एक फैब इंडिया है, अब ये फैब इंडिया भी फरेब कर रहा है। अरे भाई फैब इंडिया की जरूरत क्या, सब कुछ हमारा है ना, तो ये फैब इंडिया का ब्रांड लगाने से फायदा क्या भैया? प्यूमा प्यूमा पता नहीं क्या क्या, एडिडास विदेशी कंपनियों का दास, ये सब लगा के घूमते रहते हैं। तो हम सोचते हैं चारों तरफ ऐसे वस्त्र प्रचलन में आए हैं कि जो है चारों तरफ स्वदेशी स्वदेशी दिखाई दे। आज करीब दुनिया की 50 से लेकर के 80% मार्केट के ऊपर चीन का कब्जा है। आने वाले 15-20 सालों में एक ऐसा वातावरण हम बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया की 50 से लेकर के 75% मार्केट के ऊपर इंडिया का कब्जा हो, यह हम दिन देखना चाहते हैं। और ऐसा 200 साल पहले हमने करके दिखाया था, 18वीं शताब्दी में वर्ल्ड की GDP में 25 से 30% और वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में 25 से 30% भागीदारी भारत की हुआ करती थी। ये तो ऐतिहासिक तथ्य और सत्य, इसको बुला नहीं सकते। अब हम लोग 1.5 पर बैठे। बाबा जी जो कपड़े आएंगे ये इसमें कोई आयुर्वेदिक का भी कलर होगा क्या? यही तो खास बात होगी। हमने कहा हम जो भी करते हैं, जैसे हमने होम केयर में किया तो हमने गोलाइन बना दिया, हमने उसके अंदर चीड़ का तेल, बच का तेल, उसके अंदर जो है लेमन ग्रास का तेल और गोमूत्र का अर्क मिला के बना दिया, बिल्कुल नया। अभी नीली टोपी वाले की हार्पिक के मुकाबले कोई देसी तो ब्रांड था ही नहीं, उसका भी हमने तैयार कर दिया है, ग्रीन फ्लश, बिना वो एकदम नेचुरल प्रोडक्ट बना दिया हमने। तो जो भी हम चीज करते हैं, सारे लिपा पोती कर रहे थे किससे, केमिकल से। आज हालत ये होगी, देखो आज से 5 साल पहले आपने शायद इस तरह से वो चीज नहीं सुनी थी। अब एक लेडी दूसरे लेडी को बताती है, अरे आजकल तो चमक रही है, क्या लगाती है? बोले पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाती हूँ। ये ताकत है, माने रोज के हम 5 लाख पीस जो नहीं लगा रही अभी तक, लगा लेना बुढ़ापा नहीं आएगा। या कोई अपनी मार्केटिंग करने नहीं आया हूं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने नया किया। ऐसे ही चाहे फूड है चाहे कॉस्मेटिक है, मैंने कहा ऑयल में हमने फिजिकल ऑयल लेकर के आ गए, हम घी में हम गाय का घी लेकर के आ गए, कॉस्मेटिक में हम एलोवेरा लेकर के आ गए, हर जगह फ्लोर क्लीन में हम गोनाइल लेकर के आ गए, ग्रीन फ्लश लेकर के आ गए। ऐसे ही कपड़ों में हम लोग आयुर्वेद को लेकर के आएंगे, उसके अंदर हम फैशन में भी स्पिरिचुअलिटी को ऐड करेंगे, उसमें भी हेल्थ वाले पार्ट को ऐड करेंगे। आजकल इतनी टाइट जीन्स पहनते हैं, जब पहनते हैं तब उनको बैठ करके खींच के चढ़ानी पड़ती है और फिर जब उतारते हैं तो उसमें बहुत कुछ उतरता है साथ साथ, इतनी बुरी हालत रहती है। जब फिर लोगों को बहुत पसीना आने लगा तो फटी पैंट पहनने लग गए, चारों तरफ से फटी हुई है। मैंने एक दो बार देखा था, मैंने ऐसे किसी को मजाक में बोले बेटे, मैंने कहा बेटे कपड़े नहीं है तो मैं दे देता हूँ। बोले बाबा जी ये फटी हुई के ज्यादा लगते हैं। तो हम लोग कुछ नया करेंगे हेल्थ वाइज, उसमें कलर्स की दृष्टि से, कंफर्ट की दृष्टि से, कन्वीनियंस और उसके जो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमने तो हर चीज को एक इनोवेटिव तरीके से किया है। टेक्सटाइल में भी ऐसे ही होगा। बाबा जी अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये सुनने में आ रहा है कि आपकी कोई फिल्म भी आ रही है जिसमें आप हीरो का रोल करेंगे। ना कोई हीरो है ना कोई हीरोइन है। दरअसल क्या है, एक बहुत बड़ा चैनल है वर्ल्ड वाइड डिस्कवरी, अभी उसका एक नया चैनल लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में, डिस्कवरी जीत, जिसको एंटरटेनमेंट में लेके आ रहे हैं। उसके अंदर वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज डालना चाहते थे, तो हमारे पास जो है डिस्कवरी की जो पूरे नेशनल हेड हैं और उनके जो एशिया हेड हैं वो सब हमारे पास में गए। उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी हम आपके ऊपर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनाना चाहते हैं आपके पूरी जो है आत्मकथा के साथ। तो हमने बहुत विचार किया और अंततः हमने उनको इस बात के लिए अनुमति दी। तो ये सच है कि डिस्कवरी जीत के ऊपर जो कुछ हमसे भगवान ने करवाया, जो कुछ हम कर रहे हैं उसको लेकर के शायद किसी जीवित व्यक्ति के ऊपर आने वाला ये सबसे बड़ा सीरियल होगा। कोई एक वो पिक्चर नहीं है, एक बहुत बड़ा सीरियल वो बना रहे हैं। तो उसके लिए डिस्कवरी को बहुत बहुत धन्यवाद, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, हमने उनको अनुमति दी है करने। बाबा जी अब जो आपका टॉपिक सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब है योगा, उसके बारे में कुछ हेल्थ की टिप्स दो, क्योंकि आप देख ही रहोगे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनमें से मेरे अंदाज से शायद 1-2% लोग योगा करते होंगे। मैं हफ्ते में 4 बार योगा करता हूँ, इसीलिए दिख रहा था। नहीं तो कोई ये सिंगल हैं,
सिंगल हैं और सिंगल दिख रहे हैं, नहीं तो जो सिंगल हो तो डबल तो दिखता ही है, क्योंकि ये बानिए लोग खाते बहुत है और मेहनत कम करते हैं। मैं हेल्थ के बारे में 5-7 बातें कहना चाहता हूं। एक, कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं आप में से? अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज, एक बार पसीना आना चाहिए। और ये पसीना आपको भी छुड़ा दूं? बिल्कुल बिल्कुल। 20 मिनट कम से कम एक्सरसाइज, जिसमें आपको कुछ नहीं आता तो आप दौड़ सकते हैं। कुछ लोग ना टहलते हैं, चलते हैं, कैसे ऐसे ऐसे चलेंगे, वो सुबह सुबह गार्डन में जाएंगे, एक ऐसा कुल्ला लटकाएंगे ऐसे जैसे मॉडलिंग कर रहे हो, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। सुबह सुबह चलो तो तेजी से चलना चाहिए, जब चलो भी तो ऐसे ऐसे चलना चाहिए। और जवान आदमी को जिसकी 50 से कम उम्र है उसको चलना नहीं चाहिए, उसको दौड़ना चाहिए। एक टिप, 20 मिनट तेज व्यायाम करो, फिर कम से कम 10 से 15 मिनट प्राणायाम करो। प्राणायाम में 5 प्राणायाम बहुत जरूरी है। एक तो भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, जो जानते ही हो सब, इससे इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है पूरी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, थायराइड, हार्ट, पूरा सिस्टम अंदर से ना स्ट्रांग हो जाता है। आजकल लोगों की ना इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। कैंसर का एक कारण है तमाकू, दूसरा कारण है कैंसर का जेनेटिक, तीसरा कारण है डिफरेंट प्रकार का पोल्यूशन, लेकिन और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। माताएं बहनें फीडिंग नहीं करवाती हैं, ज्यादा फीडिंग करवाना चाहिए। लेट मैरिज, शादी करनी हो तो जल्दी कर लो, नहीं तो अपना मौज करो हमारी तरह से। कुछ लोग 45 साल तक इंतजार ही करते रहते हैं, बाद में एक्सपायर हो जाते हैं।